अस्सलाम वालेकुम, मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। रिप्रेजेंट द सम ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। इंटीजर्स को किस तरह हम सम करेंगे नंबर लाइन पर। पहला जो पार्ट है हमारे पास प्लस 1 प्लस 3, 1 और 3 को ऐड करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह एक लाइन आप ड्रा करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर और 0 से इस साइड पे होते हैं -1, -2, -3, -4 नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। तो 0 से हमने स्टार्ट लेना है, तो +1, 0 से आगे एक स्टेप हम चलते हैं तो यहाँ पर पहुँच आएंगे। फिर उसके बाद कहते हैं +3, इससे मज़ीद 3 स्टेप जो है हम आगे जाएंगे, तो यहाँ से 1, 2, 3, तो यहाँ पर ये पहुँच आएगा। तो इस तरह हमारा ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये सॉल्यूशन 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो सो अब अगर इस तरह ये आप करेंगे, सो यानी +1, आपके पास +1 है और आपके पास जो होगा +3, तो ये 1 + 3 आपके पास = 4, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ रहा है। और नंबर लाइन पर इस तरीके से आप इसको शो करेंगे। तो अब बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इस तरह नंबर लाइन आप ड्रा करेंगे, तो यहाँ से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ 0, 1, 2, 3, और यहाँ पर आप आएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। अब यहाँ से 0 से हम स्टार्ट लेंगे, तो ये -3 लेफ्ट साइड पर आपने आना है। तो यहाँ से आप आएंगे इस पॉइंट पर आप पहुँच आएंगे, फिर आपने मज़ीद जो है ये -5 है तो आपने लेफ्ट साइड ही जाना है 5 स्टेप मज़ीद। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर आप दोबारा जो है ये 5 स्टेप जो है आगे जाएंगे। तो यहाँ पर यानी ये आप दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे के -3 आपके पास -3 प्लस -5 आपके पास ये किसके इक्वल होगा -3 प्लस माइनस, ये माइनस हो गया। अगर एक जैसे साइन होंगे तो आपने यानी 3 रुपया पहले लिए थे, 3, 5 आपने और लिए, तो टोटल आपके पास 8 और 7 माइनस लगेगा कि ये रुपया आपने मतलब ये उधार है वापस करने हैं, तो इसलिए नेगेटिव साइन जो है उसके साथ एक जैसे साइन जो है वो आपके पास प्लस होंगे, लेकिन साइन आपके पास वो माइनस का ही लगेगा। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पर इसको कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं दो नंबर्स को। तो यहाँ पर हमारे पास सी पार्ट है +4, -+2, तो यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं उस पर इसको फिर कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह नंबर लाइन पर आप ये नंबर्स जो है लिखेंगे, इसको ड्रा करेंगे। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट ले लेता हूँ यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक यहाँ पर -1, -2, -3 और ये आपके पास -4। तो ये जो नंबर है आपके पास, ये तो वैसे ही +4 है, अगर न भी लिखें तो 7 और प्लस माइनस, ये माइनस आपके पास 2, इस तरीके से ये नंबर आपके पास है। तो इसका मतलब है कि +4, 0 से आप 4 स्टेप आगे जाएं तो यहाँ से आप पहुँच आएंगे यहाँ पर, लेकिन फिर इसके बाद है -2, यानी आप बैक स्टेप आए, 2 स्टेप आप पीछे आए, तो यहाँ पर 1, 2 यहाँ पर आप पहुँच आएंगे। तो ये आपके पास फाइनल जो है ये आपके पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। सो अगर आप ये +4 आपके पास है और -+2 है, तो इसको ये आपके पास +4 आ गया और +- ये माइनस, तो 4 से अगर आप 2 निकालेंगे तो आंसर आपके पास 2 आ जाएगा, यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगले डी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर डी पार्ट को हम लिख चुके हैं -3 और -4 + -2, तो चलो लाइन ड्रा कर लेते हैं और इसको नंबर लाइन पर शो कर लेते हैं। हमारे पास -3 + -4 + -2, तो यहाँ से 0 से आप स्टार्ट लेंगे, ये हमारे पास 0 है, -2 यहाँ पर ये हमारे पास -2 पर पहुँच आएगा 2 स्टेप्स। फिर आप मज़ीद या इस साइड से करें या इधर से, मर्जी है। अगर पहले 3 को अगर आप करना चाहते हैं तो तब भी एडिशन पर इसकी असर जो है वो नहीं पड़ेगी। मज़ीद हम 4 स्टेप जाते हैं
यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पर 4 स्टेप हमारे पास यहाँ पर आएगा, और इसके बाद हम मज़ीद 3 स्टेप, क्योंकि ये सारे जो है माइनस है, 1 2 3, मज़ीद 3 स्टेप आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये आपके पास पहुँच जाएगा, और यही हमारे पास -9 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर दूसरे तरीके से अगर आप करना चाहते हैं, पहले -3, तो ऐसे 0 से आप आएंगे -3 पर, फिर आपने जाना है 4 पॉइंट मज़ीद लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप पहुँच आएंगे, और अगर 2 स्टेप मज़ीद आप जाएंगे 1 2, तो यहीं पर आप पहुंच आएंगे, तो -9 इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नीचे भी हम इसको लिख लेते हैं, ये तो नंबर लाइन पर आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं, -3 प्लस ये -4 -2, यहाँ पर ये -3 -4 -2। तो अगर आपने ये जो सेम साइन हमेशा प्लस होते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही लगता है, 3 रुपये अगर आपने उधार लिए हैं, 4 और लिए हैं, 7 हो जाएंगे, 2 अगर और लिए तो ये -9 आपके पास इसका यानी ये सॉल्यूशन आ जाता है। अब नेक्स्ट ई पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ई पार्ट को हम कर लेते हैं +7 प्लस -10। तो चलो लाइन पहले से मैं ड्रा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है +7, तो 0 से आप स्टार्ट लेंगे और 7 स्टेप आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये पहुँच आएगा, और उसके बाद आपने बैकवर्ड यानी बैक स्टेप आपने लेने हैं 10, यहाँ से अब आपने वापस आना है 10 स्टेप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आप पहुँच आएंगे। अगर यहाँ से बैक आप आएंगे यहाँ पर 10 स्टेप, तो यहाँ पर पहुँच आएंगे, और यही आपके पास इसका जो सॉल्यूशन यानी -3 आपके पास आ जाएगा। तो +7 प्लस -10, यहाँ पर ये +7 तो 7 ही होता है, प्लस माइनस आपके पास माइनस, और 10 से आप 7 निकालेंगे, 7 से आप 10 तो नहीं निकाल सकते, 10 से आप 7 निकाल लें तो 3, और ग्रेटर वाले का सिंबल लगाएंगे बड़े वाले का -3, तो इसलिए ये -3 पर आपके पास ये पहुंच आएगा। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर एक पार्ट को भी हम लिख चुके हैं, -3 प्लस -7 प्लस -4, तो चलो लाइन पहले से ही ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ 0 से हम स्टार्ट ले लेते हैं, ये हमारे पास जो पॉइंट है 0, यहाँ से हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे 3, क्योंकि ये -3 है, तो लेफ़्ट की तरफ 3 स्टेप जाएंगे, अगर प्लस हो तो फिर हम राइट की तरफ जाएंगे, तो 1 2 3, यहाँ पर ये पहुँच आएगा आपके पास -3 पर। उसके बाद 7 स्टेप आपने मज़ीद लेफ़्ट की तरफ जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये -10 पर आपके पास पहुंच आएगा। उसके बाद मज़ीद आपने 4 स्टेप जो है, क्योंकि साथ माइनस है, तो लेफ़्ट की तरफ जाना है 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये पहुंच आएगा, और यही आपके पास -14 जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी यहाँ पर इस तरीके से आप यानी लिख सकते हैं, सो यानी -3 प्लस -7 प्लस -4। अब इसको अगर आप -3 प्लस माइनस -7 प्लस माइनस, यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं सबके साथ माइनस है, तो आप इस तरह सबको प्लस कर लें और साइन आप नेगेटिव का लगाएंगे, तो 7 और 3 10, और आपके पास 4 14, -14 आपके पास इसका सॉल्यूशन आता है, और नंबर लाइन पर इस तरीके से आपने इसको शो किया है। अब अगले स्टेप की तरफ, अगले जो पार्ट की तरफ है उसकी तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। जी पार्ट को भी लिख चुके हैं, -1 प्लस -2 प्लस -3, तो चलो पहले लाइन को हम ड्रा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो यहाँ से 0 से हम स्टार्ट लेंगे, पहले -1, एक स्टेप आपने लेफ्ट, क्योंकि साथ माइनस है, तो एक स्टेप हम यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद 2 स्टेप मज़ीद लेफ्ट की तरफ, 1 2 2 स्टेप मज़ीद हम यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद 3 स्टेप मज़ीद जो है 1 2 3 यहाँ पर आएंगे, तो ये आपके पास -6 आ जाएगा। तो इसको अगर आप लिखना चाहें -1 प्लस -2 प्लस -3, यानी -1 -2 -3 प्लस -, तो देखिए -1 तो आपने 1 रुपया उधार लिया है, 2 मज़ीद लिए, 3 और 3 6, ये आपके पास -6 आ जाएगा, और ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है। अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ।
तो यहाँ पर h पार्ट को भी हम लिख चुके हैं, यहाँ से ज़ीरो से हम स्टार्ट लेंगे माइनस थ्री, चूँकि इसके साथ माइनस है तो ये माइनस साइड इस साइड आएगा लेफ्ट साइड पर, अगर प्लस हो तो फिर राइट की तरफ जाएगा। तो वन टू थ्री, यहाँ पर थ्री, तीन स्टेप जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर मज़ीद आप फोर स्टेप लेफ्ट की तरफ जाएंगे, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पर आप पहुँच आएंगे और यही हमारे पास माइनस सेवन, इसका आ जाएगा सोल्यूशन। यानी इस तरह इसको आप लिख सकते हैं, माइनस थ्री प्लस इन टू माइनस फोर, माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस फोर, ये आपके पास तीन रुपये आपने लिए थे, चार मज़ीद, तो ये माइनस सेवन आपके पास इसका सोल्यूशन आ रहा है। लास्ट पार्ट को, इस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन का लास्ट पार्ट, उसको सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। यहाँ पर आई पार्ट को हम लिख चुके हैं प्लस नाइन प्लस माइनस टेन, इसको अब नंबर लाइन पर शो कर लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट आई पार्ट को हम लिख चुके हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह नंबर लाइन पर आपने नंबर्स लगाने हैं, फिर आप यहाँ पर देखेंगे प्लस नाइन, तो ज़ीरो से आपने स्टार्ट लेना है, नाइन स्टेप राइट की तरफ जाना है क्योंकि प्लस है इसके साथ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यहाँ पर ये पहुँच आएगा आपके पास। अब उसके बाद माइनस टेन है, यानी बैक आपने आना है टेन स्टेप, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहाँ पर माइनस वन पर आप पहुँच आएंगे। तो ये हमारे पास माइनस वन इसका आ रहा है सॉल्यूशन, यानी प्लस नाइन प्लस प्लस इन टू माइनस टेन है आपके पास, तो प्लस नाइन प्लस माइनस माइनस, तो आप टेन से आप नाइन निकालेंगे तो ये वन रहेगा, और ग्रेटर वाले का सिंबल आप लगाएंगे तो ये आपके पास माइनस वन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्व द फॉलोइंग, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू, लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।